हेलो एवरीवन, सीबीएसई बोर्ड कैंडिडेट्स 2022 क्लास 10 एंड क्लास 12, एक बहुत ही गंदा मजाक आपके साथ हो रहा है सीबीएसई की तरफ से। एंड ये चीज लिटरली बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप ये चीज ख्याल रखिए कि हम यूट्यूबर्स आपके लिए कितना ज्यादा अलर्ट और आपके लिए मेहनत करते हैं। चलिए इस बात को साइड में रखते हैं। आपके स्क्रीन पर ऑफिशियल सीबीएसई की तरफ से एक अलर्ट आई है और इससे आप सबको काफी कुछ क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा, काफी कुछ पता चल जाएगा। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, अभी अभी जस्ट 10 मिनट पहले आपके लिए न्यूज है। एक सीबीएसई का हेडक्वार्टर का फेक ऑफिशियल किसी ने बनाकर एक अभी अर्जेंटली अपडेट दिया कि 2 बजे आज रिजल्ट आ रहा है क्लास 12 का। ठीक है, किसी ने फेक, एक बार और बोल रहा हूँ, सीबीएसई हेडक्वार्टर का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से किसी ने रिपोर्ट दिया कि आज आपका रिजल्ट आ रहा है। तो हम सब लोग रेडी हो रहे थे, प्रिपेयर हो रहे थे आपको ये आगाह करने के लिए, बताने के लिए। तभी सीबीएसई वहां पर आकर कह रही है कि सीबीएसई फॉर स्टूडेंट्स #एग्जाम्स #फेक एंड #सीबीएसई। मतलब उनका आप लोगों के लिए अर्जेंट मैसेज ये है कि अभी जो है ये जो सर्कुलेट हो रहा है रिजल्ट के बारे में वो फेक है, अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है। और नीचे अगर आप कमेंट पढ़ेंगे जाकर तो बच्चों की पॉइंट्स है, तब आप लोग क्यों नहीं क्लेरिफिकेशन दे रहे हैं? सीबीएसई एक नोटिस क्यों नहीं जारी कर रही है? सीबीएसई फिर क्यों नहीं क्लियर कर रही है कि हमारा टर्म 1 का स्कोर पता चलेगा या नहीं पता चलेगा? एकदम सही, आपके बातों में एकदम दम है और हमारी भी यही कहानी है, हमारी भी यही बात है, हमारा भी यही कहना है कि जब सीबीएसई को इन सब चीजों का अच्छे से पता है कि ये सारी चीजें सर्कुलेट हो रही है, फेक हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, सीबीएसई 24/7 वर्क कर रही है स्टूडेंट के लिए, तो एक छोटा सा लाइन का एसएमएस, एक छोटा सा लाइन का एक ऑफिशियल सर्कुलर नहीं दे सकते? आपके भाई बहनों ने पूरा लिख के भर रखा है एक लाइन दैट वी विल नॉट डिक्लेयर टर्म 1 रिजल्ट या टर्म 1 स्कोर कार्ड। इतना लिखने में क्या सीबीएसई का करोड़ों का खर्चा हो जाएगा? आप लोग बताइए। अभी इसके ऊपर बहुत कुछ चल रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, वेरिफिकेशन, बिकॉज हम सब लोग आपको अपडेट देने वाले थे कि आपका रिजल्ट आने वाला है। एंड यस, सीबीएसई की तरफ से कुछ अर्जेंट आया है एंड यहां पर अलर्ट जारी किया, पर सीबीएसई ने यह नहीं बोला कि आपका टर्म 1 का रिजल्ट नहीं आएगा। सीबीएसई यह तक नहीं बोला कि टर्म 1 का रिजल्ट अभी तक आ रहा है, सिर्फ ऑफिशियल की तरफ से बयान है कि आएगा आएगा आएगा। अब इसके ऊपर हम क्या कह सकते हैं? क्या सच में आपका टर्म 1 का रिजल्ट आने वाला, इसलिए इन्होंने अलर्ट किया कि आज नहीं, ये फेक है? आई डोंट नो, बट आप लोग ही कुछ लाखों कमेंट करो मेरे प्यारे दोस्तों। वी आर गोइंग टू डू समथिंग इसके ऊपर, सभी चीजों के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इरिटेटिंग और गुस्सा आ रहा है इस चीज को देखकर। आपके भाई बहनों का ऐसे लाखों कमेंट्स है और आप भी कमेंट करके अपना राय रखिए। जब सीबीएसई को पता है इन सब चीजों का कि टर्म 1 के बारे में, रिजल्ट के बारे में इतनी कुछ चल रहे हैं, तो वो लोग क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? एनीवेज, अगर आपके रिजल्ट आए तो आप इस एप्लीकेशन को यूज करके अपना रिजल्ट देख लीजिएगा। मिलते हैं अगली अपडेट में, थैंक यू सो मच। जैसा कि बच्चों, काफी सारे सीबीएसई के वेबसाइट्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, उनमें से सबसे बेस्ट अगर आप लोग देखना चाहते हो और सबसे पहले अपना रिजल्ट देखना चाहते हो तो मेक श्योर आप प्ले स्टोर पे चले जाना एंड प्ले स्टोर पे आप सर्च कर लेना विच इज ऑन स्क्रीन आपके सीबीएसई रिजल्ट 2022। जैसे ही आप इसे सर्च करोगे आपको ये जो सबसे टॉप पे यहाँ पे लिखा हुआ है सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट 2022 क्लास 10th एंड 12th, इस पे आपने क्लिक करी, आपने इसे इंस्टॉल कर लेना है। एंड इंस्टॉल जैसे ही हो जाएगा मेक श्योर आप रेटिंग्स जरूर दें ऐप को। रेटिंग्स देकर यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस लिख दे, लाइक कुछ भी आप लिख सकते हैं, बेस्ट एप्लीकेशन, बिकॉज ये जो एप्लीकेशन है मोस्ट प्रोबेबली सबसे पहले काम आएगा, आप लोग खुद नोटिस करना। एंड जैसे ये चीज़ हो जाए आप इसे रेटिंग्स पोस्ट कर देना। उसके बाद आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल है, उसके बाद का स्टेप काफ़ी ज़्यादा ईजी है, बहुत ही सिंपल। आपको क्या करना है, उसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से खुलेगा जैसे ही आप एप्लीकेशन खोलेंगे। एंड सबसे पहले आप अपना रिजल्ट देख पाएंगे, क्लास 10th रिजल्ट 2022, क्लास 12th रिजल्ट 2022। एंड अगर आप लोग इससे भी और भी बेहतरीन चीज़ देखना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर यहाँ पे साइड में जीके क्विज़ है, जहाँ पे काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, आप क्विज़ वगैरह खेल सकते हैं, गेम्स वगैरह भी, पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 10th 12th का रिजल्ट। तो रिजल्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप, तो जैसे ही आपका रिजल्ट सीबीएसई वेबसाइट पे एक्टिव हो जाएगा आप यहाँ पे क्लिक करके अपना रिजल्ट देख पाएंगे। ये ब्लू टिक हो जाएगा, ठीक है ना, ये एक्टिव यहाँ पे दिखाएगा सीबीएसई, ये जो चेक रिजल्ट है ना नाउ, ये एक्टिव दिखाएगा और उसके कुछ स्टेप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो ये ऐप आप लोग अभी से डाउनलोड करके रख लो ताकि ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो एंड जल्द से जल्द आप अपना रिजल्ट सबसे पहले देख पाओ।